यार डेविड वॉर्नर, ट्रेवस हेड, मिचेल मार्श मिचेल मार्श ओपनर्स, ओपनर्स ठीक है। डेविड कॉनवे, विल यंग, रिची रविंद्रा, ऐसा ही है। ठीक है। इमामुल हक, इमामुल हक, अब्दुल्ला नहीं दिल्ली शफी, नहीं करता नाम लेने का भाई, ऊपर से स्कोर करे वो बंदा तो की तो वहां पे स्कोर हो रहा, हमारा भाई स्कोर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे ओपनर जोन से अभी 150-200 का स्टार्ट दे दे। 150-200 बड़ी दूर, बड़ी दूर, बड़ी बहुत दूर है दूर की बात है भाई। ब्रो, बहुत दूर वो कम की। से कम अपना 50 अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करे, ठीक है। और वो कम से कम इमामुल हक को इतनी को समझ आ जानी चाहिए कि भाई आपकी अब जगह, आप एक इजी टारगेट है। इजी, बिल्कुल इजी। आपको लोग पर्ची कहते हैं, आपको ये कहते हैं कि आपका चाचा मामा जो है वो सिलेक्शन कमेटी में कमेटी में है, है। ये आप एक इजी टारगेट है। तो जब आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपको लोग पॉइंट आउट करेंगे, और जब आप पे उंगलियां उठेगी तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे वायरल होंगे। जब आप सोशल मीडिया पे वायरल होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके बल्ले से स्कोर नहीं निकल रहा। यार कैसे प्ले स्कोर आज आपने देखा, फर्स्ट पावर प्ले देखा है आपने? फर्स्ट पावर प्ले में 110 एक स्कोर, सौ दस स्कोर कोई सोच सकता भाई। इधर हम लोग है? सिर्फ एक 60 बात करते बोलो हैं, पे इधर इमाम एक बात करता है, उसने कहा है नेक्स्ट मैच में आपको फर्स्ट पावर प्ले में छक्का देखने को मिलेगा। मगर वो उसके हमारे बल्ले से नहीं उसके निकला, बल्ले से फिर भी वो निकला, अब्दुल्ला शफी के 2 छक्के मारे दो थे उस छक्के मैच मारे में, और इमाम साहब से कोई छक्का नहीं कुछ निकल रहा। तो भाई। भाई जान, अगर फखर इज्जत है, सीधी बिल्कुल सी बात है, अगर तो फखर इज्जत है तो बराए मेहरबानी फखर को बाहर बैठा के तो मोहम्मद हारिस को ले आए। एक तो LPL की भी फॉर्म उसकी लगी हुई है लगी अच्छी, हुई है, ठीक है। दूसरा, उसको इंडियन कंडीशंस का भी थोड़ा सा आइडिया हो आइडिया जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर एशियन कंडीशन सेम होती सेम है, होती ठीक है। है। उसके अलावा वो नडर प्लेयर है, अगर बिल्कुल वो रबाडा को स्कूप शॉट खेल सकता है, वे यार अगर वो कमाल। नगीडी को डाउन दी ट्रैक जा सकता है ना, तो भाई जान उसको बराए मेहरबानी ऐसा एक कदम ले ले। आपके पास आगे सिर्फ 3 मैच है, और 3 मैच आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज यार। हारिस को लाने का मतलब ये है कि आपका स्ट्राइक रेट, आपका रन रेट दोनों अच्छे हो जाए। बेहतर कमाल, मतलब कि पाकिस्तान को वो स्टार्ट मिल जाएगा जो पाकिस्तान चाहता है, अर्ली चाहता है। पाकिस्तान को अगर अर्ली अच्छा स्कोर मिल जाता है ना, तो अगर बाद में कोई बैट्समैन, बाबर भी आता है ना, बाबर को पता होगा कि अगर मेरे से 4 बॉलें डॉट होती हैं तो मैं पांचवी हाँ बॉल पे सिंगल लेके या छठी बॉल पे यार, चौका मार के अपने आप को सेट कर सकता ऊपर से हूँ। ओपनर स्कोर करते हैं तो मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होता स्ट्रॉन्ग है, होता है अगर वो, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है। अब रोहित शर्मा और गिल स्कोर करते हैं तो ऐसा ही विराट कोहली है, इतने जिगर के साथ इतने बारी करता ऐसा है, ही है। उसको ठीक पता है। होता है कि उसको मैंने पता इतना, होता है कि यार ऊपर से स्कोर इतना आ गया, अब मेरी बारी, मेरी बस बारी, मैंने इतना स्कोर करके देना है और ये बस। मेरा हक है, मैंने कर देना है। बहरहाल मुझे तो वर्ल्ड कप के बाद बड़ी चीजें नजर आ रही बस है। मसला वाला क्या है ना भाई, अगर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी करके ऐसे ऐसे इशारे करते हैं विराट कोहली की तरह, ये बस रात के विराट कोहली है खुद को भाई, विराट कोहली समझते हैं, तो भाई ये छोड़ दें इशारे भी नहीं अपने करते, कोई अपना ही निकाल लो भाई, ट्रेंडिंग अपना ट्रेंड कहां से निकालें, इस बट काबिल हो तो कुछ कर ठीक है, दें। किंग कोहली, किंग कोहली है, मगर अब अपना भी बात ट्रेंड करें निकाल लो। आप शाहीन अफरीदी के हाईएस्ट विकेट टेकर के बारे में, हाईएस्ट उसके विकेट मैच टेकर अभी शाहीन अफरीदी है, और आज का जो मैच है खत्म होगा उसके बाद एडम जाप्पा आ जाएगी, ऐसा ही है। ठीक बट है। मसला ये है ना कि हर बंदा ये बोल रहा है कि शाहीन अफरीदी अपना रोल अदा कर रहा है, भाई शाहीन अफरीदी अपना रोल अदा नहीं कर रहा, वो एक अर्ली विकेट टेकर बोल रहा है पाकिस्तान के पास, पहले दस ओवर अर्ली में विकेट नहीं मिलती, नहीं मिलती, कुछ क्या छोटी सी करें, छोटी टीम भी होगी विकेट नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। हमें अर्ली विकेट्स चाहिए भाई शहीन से, अगर शहीन अब अर्ली आप ये विकेट, कहें कि अगर नेदरलैंड के खिलाफ इसे पहले शुरू में आउट कर दिया तो यार वो सादगी है भाई, वो वैसी एसोसिएट क्रिकेट है, वो वैसे ही क्वालिफाई करके आई हुई है, और वो फिर भी इतना अच्छा खेल रही, इनसे बहुत तो अच्छा, तकरीबन इनसे अच्छा तो खेल बहुत रही अच्छा है। खेली है यार वो इनसे। बहरहाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली कुछ फैसले ले ले, अगर हम तंग आ गए हैं इतनी सपोर्ट कर करके हमारे। अब आपको क्या बताएं कि बीपी की गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं, तो खुदा हमारे पे रैम करे, कोई चेंजेस कर ले, ओपनिंग पे चेंजेस कर ले, एक वो 0-150 को भी चेंज कर ले, बड़ी मेहरबानी और होगी यार आपकी। उसको भी बाहर बैठाएं, वसीम जूनियर को भी बाहर बैठाएं, बाहर से जुमान खान को इन करें, मे बी वो आपको अच्छा स्टार्ट दे दे, यार एक ट्राई तो करके देखें, अगर एक बंदे को स्कोर पड़ रहा है तो उसको बिठा दें, क्या हो गया उसमें, बस जान जी, निकल मैं तो जानी बस है। इतना ही कहूंगा कि बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, कुछ चेंजेस कर ले, नहीं तो वर्ल्ड कप के बाद तो सारी चेंजेस आ गई है। चेंजिंग आई है, अपना इजी है। बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नाज़िर।